वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और हाँ, ये आप अगर मेरी लाइटिंग पहली बार देख रहे हो तो इस दिवाली पे मैंने कमरे में ऐसी वाली RGB लाइट्स लगवा ली थी। अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। बट मैं जो कहने वाला हूँ वो ये है कि मैं अब वापस से एक व्लॉग ला रहा हूँ जो कि होगा सांभर का। और जिनको नहीं पता है, वैसे तो ज़्यादातर को नहीं पता होगा कि मैं 10 साल पहले सांभर रह के आ चुका हूँ। तो मेरे बचपन के दोस्त और मेरे ज़्यादातर स्कूल के दोस्त सांभर से ही हैं। और एक लेकिन बहुत बड़ी बीटी इसमें ये है कि हम तीन जने जाने वाले हैं, मैं, रोमन्स और मेरा दोस्त एक नीरज, जिसमें गाड़ी जो है वो नीरज के पास है। और ये जो नीरज आदमी जो है वो अब हमारा फोन नहीं उठा रहा है। गद्दारी कर बे, एक अपनी साथ हम खरीदा। मैं देख रहा हूँ PC पे, 12 बज गए हैं तो अब मैं सोने जा रहा हूँ और सुबह जल्दी उठ जाऊँगा। 8-9 बजे के आसपास हमको निकलना है, तो देखते हैं कि क्या होता है। होपफुली नीरज आ जाए और हम जा पाए सांभर में, हमारी ट्रिप कैंसिल ना हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब नहीं हुई है कैंसिल ट्रिप, हम जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, हम उठ चुके हैं। पागल आदमी है, हम कौन, तुम और तुम्हारी फौज। और एक और बीटी अब एक वापस हो गई है कि जो कल फोन नहीं उठा रहा था उसने फोन उठा लिया और वो आ रहा है। लेकिन जो दूसरा बंदा था जिससे बात हो रही थी अभी तक, अब वो फोन नहीं उठा रहा है भाई। Here we go again. मतलब आज इसी चक्कर में लेट होने वाले हैं, कोई फोन उठा रहा है, वो उठा ही नहीं होगा अभी तक भाई। हम जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं और ये बैग रेडी हो चुका है हमारा और बस अब निकल रहे हैं। थोड़ी देर में नीरज के आते ही यहाँ से बैठेंगे और फिर वी आर गुड टू गो। भाई फाइनली उससे कॉन्टेक्ट हो गया, उस वाले दोस्त से जो दूसरा था, तो अब वो उठ गया है, तैयार हो गया है और आ रहा है यहाँ पे। तो मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे मैं वेट करता हूँ उनका, देखते कब तक आते हैं। ज़्यादा वेट ना कराए तो बढ़िया है भाई। आ गए गाइस, ये देखो लेट लतीफ़ लोग, ये जाएंगे सांभर। प्लान इनके एक दिन पहले बनते हैं। चलो अब बैठते हैं, निकलते हैं सांभर के लिए। तो गाइज फाइनली सांभर पहुंच गए हैं और अभी हम आ गए हैं सांभर लेक पैलेस में। और यहाँ पे हमने एक रूम बुक किया है रोमन्स के नाम से। रूम टूर देंगे अगर अच्छा होगा तो। अरे भैया बाद में बजा लेना यार हॉर्न। नहीं तो रूम टूर देंगे रूम अच्छा होगा तो। और मैं जब तक आपको थोड़ा लैंडस्केप दिखाता हूँ कि अभी कैसा है यहाँ का। वो सामने अगर आप देख रहे हो तो ये पूरी, ये तो छोटा सा ही है, वहाँ पे पूरी आगे झील है। वैसे तो कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको आराम से बाद में। और ये अपना सांभर लेक पैलेस। तो रूम मिलने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम थोड़ा बैठ गए हैं पेट पूजा करने के लिए, ढूंसने के लिए। हमारा क्या है कि भूख बहुत लग गई है, ढाई घंटे हो गए अपने को निकले हुए। खाना वाना खा के हम थोड़ा सा, हमारे क्या कि पैलेस के सामने एक जगह थी झील की, वहाँ पर आए देखने। ठीक है समरिया। और यहाँ पे हमको है ना ऑलरेडी फ्लेमिंगोज दिख रहे हैं दूर से। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको दिखेंगे, नहीं तो पास जाके उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन काफ़ी बड़ा लैंडस्केप है और है ना झील दिख रही है यहाँ से। ये देखो गाइस, ये पूरा अभी सूखा हुआ है, बारिश वारिश होती है तो शायद ये भी भर जाएगा। और ये पूरी झील है देखो, आपको दिख रही होगी। और वहाँ पे आपको फ्लेमिंगोज अगर दिखें तो मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। देखो वो जो बर्ड्स दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे फ्लेमिंगोज है। शाकंभरी माता चल रहे हैं और देखो हमको किसने ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया जबरदस्ती बुलाया गया साले। क्या भाई, कैसे कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? जॉर्ड बोलते बुलाया कंटेंट के लिए भाई, जो गायब यूट्यूबर है हमारे। देखो इधर से मैसेज कर सकते हो तुम कमेंट में, तुमको कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो सीजर से कि कहाँ गायब है। आपको दिख रहा होगा देखिए यहाँ पे हमारे शिजनित जी
घर का शिकार करते हुए घर बनाएंगे अपना। यहाँ बना, ये प्राइम लोकेशन है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। देखो गाइज, ये शाकंभरी माता का मंदिर वहां पर है। ये देखो वहां पर, ये आपको दिख रहा होगा वहां पर है। यस, पूरा वहां पर शाकंभरी माता का मंदिर है। और ये पूरा, और ये मेरे दोस्त है, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं सालो भाई ये देखो, एक तो धूल धूल कर गए मेरे पास। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा घोरा था? रोक ले भाई, ये धूल में करने का प्लान कर रहे हैं मेरे को। सांप को पाल रहा था। तो गाइस तुम देख रहे हो जैसे पूरा शाकंभरी माता के मंदिर के सामने का ही पूरा ग्राउंड है ये, और ये पूरा एंड तक ऐसा ब्लैंक है। वहां पे आप, वहां से आप सीधा खाई में गिर जाओगे ऐसा लग रहा है, वहां जाके सीधा नीचे, सीधा पाताल लोक में। तो भाई बहुत ही ऐसा, वो नहीं गुजरात में रन ऑफ कच्च, वैसी फीलिंग देता है पूरी। आर यू कॉमेडी मी? बहुत ही सुंदर जगह, और बहुत मतलब बहुत ज्यादा एम्प्टी। आप देखो दूर दूर तक हमारी गाड़ी है, और दूर दूर तक ना गाड़ी है ना कुछ। गाइस ऐसा सीजर भाई ये रे, आप है ना इनसे पूछ सकते हैं कहाँ गायब है। सीजर भाई बताओ, आपकी आपकी जनता जानना चाहती है डिस्कॉर्ड पे, सीजर भाई कहाँ है? शिजनिट से पूछते हैं टैग कर करके, सीजर भाई कहाँ है? हाँ ये कर लो पहले, सीजर भाई बताओ कहाँ हो आप? ये नंबर में खड़े हैं। तो बताओ फिर कब आ रहे हो? नहीं, नेक्स्ट स्ट्रीम कब हो रही है? न्यू ईयर पे। चलो गाइज न्यू ईयर पे डेट दे दी है सीजर भाई ने नेक्स्ट स्ट्रीम की। चलो गाइज न्यू ईयर पे मिलते हैं फिर। भाई गाइज देखो फोटो खींचने के लिए क्या क्या मजदूरी करनी पड़ रही है लोगों को। गाइज ये देखो सांबर आए हैं, और सांबर आके पतंग उड़ा रहे हैं। जयपुर में कम पड़ गया था पतंग उड़ाना। हैप्पी मकर संक्रांति गाइज। 15 तारीख का भी वीडियो आज ही बना लिए तुमने? 15 तारीख का कौन ब्लॉग करेगा यार? अभी जो कर रहे हो उसी में कर देता हूँ मैं तो। गाइज क्या ये लड़ाने वाले हैं आपस में? भाई नीरज क्या लगता है कौन किसकी काटेगा? अरे अभी तुम तो लड़ाओगे जब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और रोमन साहब को? अच्छा अभी हम आ गए मेन सांबर टाउन में, जो मेन है सांबर गांव, वहां पर अपन आ गए हैं। और मैं इधर यार 10 साल रह चुका हूँ, और है ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। जैसे आपको ये पीछे दिख रहा होगा म्यूज़ियम है, ठीक है, मैं आपको अभी पूरी जगह दिखाऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा। जहाँ मैं यहाँ पे था तो जैसे अभी आपको लाल लाल दिख रहा होगा सब कुछ, ये नहीं था, ये ग्रे कलर का था पूरा। अभी बहुत ज़्यादा नया नया लग रहा है भाई सांबर, इतना जब मैं रह के गया था यहाँ पे जब इतना सारा नहीं था वो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये तो है ना म्यूज़ियम है, ये जो आपको दिख रहा है ये म्यूज़ियम है, और वो जो सामने है ये सर्किट हाउस है। यहाँ का मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो आप कह सकते हो ना, मेरा है, मेरा आ जाना। अपनी पूरी आश है, चेन्नई का कैश है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होटल कह सकते हो ये है ना। ऐसे कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था जब वो यहाँ पे थे, तो उस टाइम से अभी तक भी चलता आ रहा है ये। और इसलिए है ना इसका एक रूम या इसको जब बुक करते हैं ना तो 13-14 हज़ार का एक होता है ये, ऐसे सांबर जैसे उसमें भी। और जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जैसे पीके की शूटिंग यहाँ पे हुई, वीर की शूटिंग यहाँ पे हुई, रामलीला की शूटिंग यहाँ पे हुई, तो सब यहीं पे रुकते हैं आके। तो ये यहाँ का सर्किट हाउस है, और ये सांबर साउथ लिमिटेड का ऑफिस है यहाँ पे। प्लीज़ हम आ गए देवयानी में। सीजर भाई भी अभी तक हमारे साथ 2-3 घंटे का बोल के इनको हम पूरे दिन से रगड़ रहे हैं अपने साथ। बिल्कुल कर रहे कंटेंट देख लो भाई, बड़ा ही देवयानी, यहाँ इसको ही देवयानी सरोवर कहते हैं। हाँ पता लग गया ना इधर कोई आया है, एक नंबर आदमी। 10 साल बाद रिटर्न। तो गाइस ये कुछ शॉट्स है जहाँ पे मैं 10 साल से रहा हूँ, और मेरा रोज आना जाना था यहाँ से,
और अभी भी इसको मैं देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है और मैं हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ ये देख के, क्योंकि यहाँ से मैं रोज़ आता था। और ये जो शॉट है ये मेरी गली का शॉट है, यहाँ पे मेरा घर था, मैं किराए से रहता था। तो ये जो घर है ब्राउन गेट वाला, ये मेरा पुराना घर है गाइस। बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इस घर के साथ, इतने सारे मोमेंट्स है इस घर में। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। बड़ा ही छोटा सा व्लॉग था आई नो, क्योंकि हमको एक्चुअली रुकना था सांबर में, बट नीरज को दिल्ली जाना था किसी काम की वजह से, इसलिए हम नहीं रुक पाए, तो हमको उसी दिन वापस आना पड़ा। लेकिन जो जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने कवर कर ही ली थी इस व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।